वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं डोसा बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 कप हम चावल लेंगे। 2 कप चावल लेने के बाद में उसी कप का आधा कप हम धुली हुई उड़द की दाल लेंगे और फिर उस दाल से भी आधी हम चने की दाल लेंगे और ये सब हम एक ही कप से मेज़र करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे। उसके बाद हम इसे ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम उसे मिक्सर में डालकर अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे और उसे भी हमने 5 से 6 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना है। और यहाँ पर हम सांभर बना रहे हैं जिसमें कि हमने 1 कप दाल ली है, ये चाय वाला कप है, 1 कप अरहर की दाल ली है और जिसमें कि हमने 11 कप पानी डाला है और नमक डालकर हम उसे पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हम इसमें सब्ज़ी डालने की बारी है तो यहाँ पर हमने सिर्फ लौकी ली हुई है। लौकी में हम 1 कप पानी डालेंगे और हल्दी डालेंगे, नमक हम नहीं डालेंगे। हल्दी डालने के बाद में हम इसे अच्छे से प्रेशर कुक करेंगे। यहाँ पर हमारी दाल और लौकी दोनों ही गलने के लिए रखी हुई है और अब हम बना रहे हैं नारियल वाली चटनी, जिसके लिए हमने 6 से 7 टेबल स्पून हमने नारियल लिया हुआ है। ये नारियल पिसा हुआ है और इसमें हम डाल रहे हैं 2 कप दही डालेंगे और ये चाय वाला कप है जिससे कि हमने मेज़र किया हुआ है। दही डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम इसे कवर करके मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमारी चटनी हो जाती है तैयार। हम इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ पर हमारी दाल पक चुकी है और अब इसमें वक्त हो जाता है कि जो हमने लौकी पकाई थी हल्दी डालकर वो हम इसमें डाल देंगे और लौकी में जो पानी बचा होगा वो हम नहीं फेंकेंगे, वो भी हम इसी में डाल देंगे। उसके बाद जितने हम इसमें 3 टमाटर डालेंगे मीडियम साइज़ के और 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई अनियन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे 7 से 8 या फिर अपने हिसाब से जितना तीखा खाना पसंद करें। यहाँ पर हम सांभर मसाला यूज़ कर रहे हैं कैच का, ये हमने 2 टेबल स्पून लिया हुआ है। सांभर मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसे खोल कर के भी पका सकते हैं। और यहाँ पर हमने नींबू का रस डाला है, ये 1 पूरे नींबू का रस है और अब हम इसमें प्रेशर कुक कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्रेशर कुक करने से ये जल्दी बन जाता है। अब हम डोसे में जो आलू डाली जाती है उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसमें हमने ये राई डाली है, ये राई मोटी वाली है। राई डालने के बाद में हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे, इसे सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें सब्ज़ी मसाला पाउडर डालेंगे। सब्ज़ी मसाला हमने अशोक का लिया है, बहुत अच्छा होता है। उसे अच्छे से 1 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रखना है कि मसाला जले ना। सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। अब हमने यहाँ पे आलू लिए थे 6 से 7 मीडियम साइज़ के, उन्हें बॉईल करके मैश कर लिया था। अब हम वो डालेंगे और इस मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस मिक्स कर कर हम इसे हटा लेंगे। और मिक्स करके उसे सेपरेट कर दिया है हमने। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और अब हम इसमें कई मोटी वाली राई है, करी पत्ता और लाल सूखी मिर्चें डालेंगे जिन्हें हमने तोड़ लिया है। ये जो तड़का है ये दोनों चीज़ों में डालेंगे, ये हम सांभर में भी डालेंगे और नारियल वाली चटनी में भी डालेंगे। यहाँ पर हमने नारियल वाली चटनी में ये डाल दिया है और बाकी का जो है वो हम सांभर में डालेंगे। अब वक्त जाता है डोसा बनाने का।
सबसे पहले हमने इसमें डोसे के तवे में तेल और पानी छिड़क कर फ्लेम हमें हाई ही रखनी है, लो नहीं रखनी है। तवा जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो तब ये बैटर डालें और उसे अच्छे से फैला लें। जब डोसा ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा पकने लगे तब हम इसमें ऑयल डालेंगे। फ्लेम हाई ही रहेगी, लो नहीं की जाएगी। ब्रश की हेल्प से पूरे डोसे पे हम तेल लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी फ्लेम थोड़ी धीरे चल रही थी इसलिए हमें तवा बार बार हिला हिला कर हर जगह आँच लगाने के लिए। और यहाँ पर हमारा डोसा हो जाता है रेडी। ये आसानी से निकल जाएगा अगर आप इसे तेज आँच में ही बनाएंगे तो। फ्लेम धीमी नहीं करनी है, स्लो नहीं करना है। यहाँ पर हमारा डोसा हो जाता है बिल्कुल रेडी। अब वक्त है इसे डिश आउट करने का। हमारा सांभर और चटनी और डोसा बिल्कुल रेडी है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।